आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ बुधवार को ब्यावर पहुंचे। अपने ब्यावर प्रवास के दौरान राठौड़ ने कई कार्यक्रमों में शिरकत कर डाक बंगले में कांग्रेसियों के अभाव अभियोग सुने। ब्यावर प्रवास के दौरान राठौड़ सबसे पहले भाजपा नेता व मंडल व्यवसायी इंदर सिंह बागावास के रिको आवासीय कॉलोनी स्थित आवास पर पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने बागावास की स्वर्गीय माता जी श्रीमती मरुधर कंवर के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इसके पश्चात राठौड़ ने इंदर सिंह बागावास सहित अन्य सदस्यों से मुलाकात करते हुए सांत्वना प्रकट की। इस दौरान कांग्रेस नेता पारस पंच डॉक्टर एस सी जैन, कमला दगदी, सोहन मेवाड़ा, सलीम खान, अजय स्वामी, घनश्याम फुलवाय तथा पप्पू काठास सहित अन्य उपस्थित थे। इस दौरान सर्वधर्म विवाह सम्मेलन के आयोजन समिति से जुड़े विमल चौहान ने राठौड़ को विवाह सम्मेलन का निमंत्रण पत्र तथा उनके द्वारा लिखित पुस्तक कन्यादान भेंट की। इसके बाद चेयरमैन राठौड़ शहर के लिए रवाना हुए, जहां पर रास्ते में होटल श्री के यहां एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने शैलेंद्र साकला तथा युवा कांग्रेस पदाधिकारियों ने भूपेंद्र पाल पवार के नेतृत्व में राठौड़ का माला पहनाकर स्वागत करते हुए राठौड़ तथा कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। इसके बाद राठौड़ शहर के चर्च रोड हरिजन बस्ती स्थित वाल्मीकि भवन पहुंचे, जहां पर उन्होंने पार्षद करुणा जावा के दिवंगत ससुर व सेवादल के पूर्व जिलाध्यक्ष बाबूलाल जावा के निधन पर शोक प्रकट करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद राठौड़ फतेहपुरिया दोयम पहुंचे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस सेवादल के जिला सचिव हजरत अली के निवास पर जाकर स्वर्गीय अली को श्रद्धा सुमन अर्पित कर परिजनों को ढांढस बंधाया। इस दौरान परिजनों ने राठौड़ से स्वर्गीय अली के हत्यारों को पुलिस द्वारा अब तक गिरफ्तार नहीं किए जाने पर रोष प्रकट करते हुए शीघ्र ही हत्यारों को गिरफ्तार करवाने तथा मृतक के परिजनों का आर्थिक सहायता व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिलाने की मांग की। यासर राठौड़ शहर के टाटगढ़ रोड स्थित जटिया कॉलोनी पहुंचे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस के पूर्व पार्षद स्वर्गीय लेखराज तुनगारिया के निवास पर जाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए परिजनों को सांत्वना दी। इस दौरान श्री जटिया पंचायत समिति के पदाधिकारियों ने अध्यक्ष राजेंद्र तुनगारिया के सानिध्य में जटिया कॉलोनी स्थित सरकारी स्कूल भवन प्रकरण से अवगत कराते हुए शीघ्र ही स्कूल को पुनः जटिया कॉलोनी में ही स्थानांतरित करवाने की मांग की। राठौड़ के ब्यावर शहर में प्रवेश करने के दौरान अजमेर रोड बाईपास पर पहुंचे एमआरएस सदस्य नरेंद्र जयस्वानी तथा शैलेश शर्मा ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। हमारे तीन चार जगह जहां कांग्रेस के नेताओं के यहां डेथ हो गई पिछले दिनों, तो उनके वहां शोक संदेश लेके शोक प्रकट करने के लिए आए हम। हमारे कांग्रेस के एक नेता हजरत जी की सरेआम ब्यावर के रात को 12 बजे उनकी हत्या कर दी गई। बहुत ही एक तरह से अनफॉर्चुनेट है। और हालांकि हमारी ज़िले की पुलिस और ब्यावर की पुलिस ने बहुत तत्परता से कार्रवाई करी। अब मैं उनके परिजनों से मिल के आया हूँ और सभी जो हत्यारे थे, यानी जो इस हत्या में जो मुलजिम थे, उन सबको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस बात का हमें बहुत ही संतोष है। और जो भी मृतक के परिवार को जो सहायता सरकार की तरफ से विधि सम्मत जो बनती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको मदद करवाएंगे। और अपराध की घटनाएं जो होती हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं।